कहते हैं किसी भी रिश्ते की बुनियाद उस रिश्ते को आगे बढ़ाने में अहम रोल निभाती है, फिर चाहे वो शादी का रिश्ता हो या फिर कोई और। रिश्ता अगर सच्चा हो तो ज़िंदगी आसान बन जाती है, लेकिन वहीं अगर रिश्ते की बुनियाद ही कमज़ोर हो तो अच्छे से अच्छा रिश्ता भी पल भर में टूट जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ पंजाब के फाजिल्का में रहने वाले जितेंद्र के साथ, जिसकी शादी महज 2 दिन में ही टूट गई। दरअसल जितेंद्र कुमार सिंह ने जून में काठगढ़ की रहने वाली निशा से शादी की थी। लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से ये शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हुई, लेकिन महज 2 दिन बाद जब लड़की अपने मायके गई और जितेंद्र उसे लेने गया, पत्नी ने अपने पति के साथ आने से इनकार कर दिया। वहीं लड़के पक्ष ने निशा पर 30 तोला सोना और 80,000 रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया है। साढ़े लड़के की शादी निशा राणी नाल पिंड काठगढ़ विखे हुई है। लॉकडाउन के मतलब शॉर्टकट के घरेलू असी मतलब पूरा परिवार के गए हैं, होर असी वड्डी शादी नहीं की, तो गए हैं बिल्कुल इत्थे। उन्हें लड़की ने आके साढ़े नाल ठगी की, आके उहदा माँ प्यो पूरा ठग है जी, क्यों फिल्मी स्टाइल नालों करता है, अपनी शादी करता है, अगे भी ठगी मारी इन्होंने और साढ़े नाल ठगी मारी आ। 20 तोले साडा सोना जिहड़ा लै गई है, 80,000 रुपये नकद इत्थों लै गई कट के जी, यानी जिहड़ा जुड़िया सी मतलब जो सानू सगन पै सी उह पर्स पा के लै गए, सानू नहीं दिखाया जाके साढ़े नाल कीती ठगी इन्होंने जी। बेटा जितेंद्र कुमार है जी, इन्हों असीं बड़े चावां नाल विआहिया है, विआह के लिआंदा निशा राणी पिंड काठगढ़ तों, ते घरे आ के वधिया 2 दिन रहीए, मैनूं मावां तों वध समझदी सी वी जो कुछ हैगे तुसीं हैगे, ते बड़ा वधिया व्यवहार कीता उहने, असीं उहदे नाल बहुत वधिया कीता। जदों ऐतवार नूं लै गए संडे नूं अपने घर, उस तों बाद उहदी नीयत बदल गई वी मेरे इत्थे सोना आ गया ते वी हुण मैं इहनां नूं की जाणनी है। 80,000 रुपया जी, असीं इह प्रशासन तों मंग करने आ जी वी सानूं हक दवाया जावे, ते उहनां ते असीं FIR दर्ज करवाई वी ते सानूं आपदा इंसाफ दित्ता जावे। इंदी 5 जून नू निशा राणी दे नाल शादी हुई सी, सिंपल ढंग नाल शादी हुई सी, पर निशा राणी दे जो शादी करके लै के आए हुए सी उदों तां बहुत वधिया भोले भाले लोग लगते सी। जदों उस तों बाद पता लगा 2 दिन रहण तों बाद कुड़ी दा फैमिली लैण आए आ, वापस लै के चले गए। उस तों बाद इन्हां ने जदों लैण जाना सी, पर उन्होंने पहला ही इन्हां नू फोन करता वी तुसीं कुड़ी नू लैण वास्ते नहीं आउणा, तो असीं जिहड़ी ठगी तुहाडे नाल मारनी सी क्योंकि 20 तोले सोना लै गई आ, तो 80,000 रुपया नकद लै के गई आ। वहीं जितेंद्र ने यह भी आरोप लगाया कि उसे उसके ससुराल वालों ने बेइज्जत करके घर से निकालते हुए कहा, जो करना है कर लो। आपदे नानकिया कोल गए, पिंड सोहना संदड़ गए, उन्होंने लैके जदों असी काठगढ़ कुड़ी लड़की के घर गए तो उन्होंने बहुत गाली गलोच किया और साढ़े ते इल्जाम लगाया कि ये लड़की नूं रात नूं मारन की कोशिश की है, इन्होंने लड़की नाल बहुत जबरदस्ती की है। जो काफ़ी देर उत्तों बैठन तो बाद गलबात करन तो बाद आखिर हार मेरी सस जो कि कृष्णा राणी ने कहा कि असी तो ठगी वाला काम है साडा, असी ये ठगी मारनी सी, असी मार ली, जो होना है करना है कर लो, जा कोर्ट है जा थाना तुहाडी, जिथे जिवा चलदी ला लो। बहरहाल जितेंद्र ने पुलिस में अपने ससुराल पक्ष पर ठगी का मामला दर्ज कराया है, वहीं पुलिस भी जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। जितेंद्र कुमार साना गुरदास सिंह वासी राधा स्वामी कलोनी ने एक दरखास्त मानयोग SSP साहब ने दी सी जी, जिसकी इनकुआरी EO विंग फाजिलका ने की है। EO विंग दे इनकुआरी करन ते लड़की निशा राणी अते उसके 3 परिवारक मैंबरां ते 4 FIR नंबर 151-379-420-120 तहत दर्ज की है। डिटेल असी FIR दर्ज की, अगे इन्वेस्टिगेशन जो कुछ आऊगा वो सामने लगा जाऊगा। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये तो जितेंद्र और निशा को ही पता होगा, लेकिन महज 2 दिन में ही इनका रिश्ता टूटना भी अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। बहरहाल अभी लड़की पक्ष की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया, लेकिन जितेंद्र के परिवार वालों ने निशा पर ठगी का आरोप ज़रूर लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABC स्टार न्यूज़।